नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं और आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों दोस्तों इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर लिया है। दोस्तों साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक फिनिश कर लिए हैं। आइए दोस्तों सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, फाइंड द ग्रेटर नंबर ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीव्स लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर छोड़े 9 एंड 7। तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, आइए इसे सोल्व करते हैं। दोस्तों सेम प्रोसेस के अंदर करना है हमें, 285 में से माइनस करना है दोस्तों 9 को। 9 जब माइनस करेंगे तो यहां पे बच जाएगा दोस्तों 276। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम 1249 में से 7 को लेस करेंगे तो यहां पे बच जाएगा दोस्तों 1242। अब देखिए दोस्तों सेम प्रोसेस करेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे, तो इसके अंदर देखिए ग्रेटर नंबर ये है तो ये माना जाएगा ए, तो 1242 इधर लिखा जाएगा और ये बी माना जाएगा यानी 276 को इधर लिखेंगे। दोस्तों इसके बाद देखिए हम मल्टीप्लाई करें किस नंबर से कि इसके करीब आ सके या फिर इससे इसके इक्वल आ सके। तो देखिए दोस्तों इसको हम करते हैं, इसको 300 मान लेते हैं, 3 4 12 होता है तो इसके करीब आ जाता है, तो 4 से कर लेते हैं। दोस्तों जब इसको 4 से करेंगे तो 4 से 24 हो गया और 27 4 जो होता है 108 और ये हो गया 108 और 12 सॉरी 110 ये बन गया दोस्तों 1104 बन गया। दोस्तों जब 1242 में से माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों 12 8 बचेगा, यहाँ पे 3 और फिर 1 बच गया दोस्तों। उसके बाद देखिए 276 इधर आएगा और 138 इधर आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको करते हैं 2 के ऊपर यानी कि 13 2 26 और 8 2 16। दोस्तों ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है यानी कि रिमाइंडर बच गया 0 और यहां से देखिए एचसीएफ आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू आ गया 138। ये है दोस्तों इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626 3127 एंड 15628 एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीन दी हुई है वैल्यूज, इनको इनसे हमें डिवाइड करवाना है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसको जिससे हम इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। जब इस 626 से डिवाइड करवाएं तो 1 रिमाइंडर बचे और जब 3127 से करवाएं तो 2 रिमाइंडर बचे, लेकिन जब 15628 से करवाएं तो 3 रिमाइंडर बचे। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने एचसीएफ किया था 3 वैल्यूज का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो आइए उसी का यूज करते हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है जो हम फोर्थ और फिफ्थ में किया था हमने, वैसे इसके अंदर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले 626 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों तो ये आएगा 625। उसके बाद देखिए 3127 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आएगा 3125। उसके बाद 15628 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहां पे 5 आएगा, 5 ये 2 ये 6 और ये 5 और ये 1 ये बच जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू, दो जो सबसे बड़ी वैल्यू हो दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहां पे लिखते हैं बड़ी वैल्यू को सबसे आगे यानी कि 15625 इज इक्वल टू कर देते हैं उससे छोटी वैल्यू यानी 3125। अब दोस्तों इसको करते हैं 5 के ऊपर, जब 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो देखिए इसका वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25 होता है दोस्तों 125, तो 25 आ गया, 1 हो गया उधर, तो 31 15 16 दोस्तों सेम वैल्यू आ रही है यानी कि 15625 आ रही है इसकी भी, तो रिमाइंडर आएगा दोस्तों 0 यानी यहां से इसका एचसीएफ आ गया दोस्तों 3125। अब देखिए दोस्तों आगे जब तीसरी वैल्यू है उसका और इसका दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ फिर से निकालेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, 3125 को पहले लिखेंगे उसके बाद 625 लिखेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से कर लेते हैं दोस्तों। फिर से देखिए 3125 आ रहा है इसका वैल्यू भी, तो देखिए यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 यानी कि इसका एचसीएफ हो गया दोस्तों 625 और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 625 और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर दोस्तों।